सदगुण के होने की वजह से हमें काफी राहत इसलिए है कि हम आपको इस जब बताते हैं तो इसमें रेफरेंस लिखा देते हैं कि हम कहां से बता रहे हैं। इसके पहले चैप्टर में लिखा है कि दुनिया जब पैदा होते हैं, जब देखते हैं हम कि आसमान है, चंद्रमा है, सूरज है, ये पृथ्वी है, पेड़ पौधे है, ये सब जब दिखाई पड़ता है इसके बारे में है क्या, हम जाने क्या, जिसके बारे में हम जाने क्या है क्या, तब हम सोचते हैं कि हमें करना क्या है। ये आम है, आम है क्या, जब ज्ञान होगा तो खाएंगे, चावल है, दाल है, आलू है, सब्जी है, आप कौन है, आपके बारे में पता होगा तो आपसे निकटता होगी। इसे कितने वैज्ञानिक तरीके से लिखी गई, पहला चैप्टर गॉस्पेल वेद, पूरी दुनिया के बारे में एक ज्ञान दिया गया, हालांकि तत्सूक्ष्म लिखा है, लोगों को समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता है, उसके पीछे कारण क्या है कि हृदय में जो कालिमा छाए है उस कालिमा को रगड़ करके धोना पड़ता है। हृदय के कालिमा क्या क्या भाव प्रकट करता है, घृणा, डर, जिसको भय कहते हैं, अनेक तरह का भय, और लज्जा, कोई चीज न कर पाए, दुख हो, हमें शर्म आए कि हम इतने गड़बड़ हैं कि इसको कर नहीं पा रहे हैं, हम अपने से लज्जित हो जाएं, चार तो ये है और चार और है, निंदा करना, हम अपनी निंदा करते रहते हैं, हमारी भाग्य की रेखा अच्छी नहीं है, हमारी राशि का आज ये ग्रह सता रहा है, ये अपनी निंदा है। ये जब ईश्वर की संतान है, सारे ग्रह नक्षत्र उनके अधीन है, लेकिन अपनी निंदा करते रहते हैं, भाग्य की रेखा खोजते रहते हैं, हाथ की लाइन के आधार पर अपना जीवन देखते हैं, जबकि हाथ के लाइनों का निर्माता कौन है, अपने परम पिता भगवान है, और हमारे कणकण में बसे हैं, वही अपने रूप में है। तो भाग्य की रेखा के बारे में किसने अध्ययन किया, जो भी अध्ययन किया उनका जीवन देखिए कैसे रहा, क्या परम हंस योगानंद से अच्छा रहा, ज्ञानाता सम्यक्ति से अच्छा रहा, क्या लहरी महाशय से ज्यादा अच्छा था, नहीं था,